Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education and uh, I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls' Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you new topic that is recent trends of educational technology in education and uh, examples are mobile learning, gamification and MOOCs. So let's start. हम लोगों ने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे कम बात की है लेकिन फिर भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को हम जानते हैं कि जब से टेक्नोलॉजी का यूसेज एजुकेशन में आ गया तो बहुत एकदम आमूल झूल क्रांति आ गई है शिक्षा के क्षेत्र में तो यहाँ पर इस टॉपिक में आपको तीन आ, आप वो एक डेमांसट्रेशन एक एग्जाम्पल वो शो कर रहे हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के यूसेज के आ, मोबाइल लर्निंग गेमिफिकेशन और मोक्स देखिए मोक्स पर मैं आपसे पहले भी दो तीन दो या तीन वीडियो मेरे मोक्स पे पहले भी हैं तो उसको मैंने डिटेल में कवर नहीं किया बल्कि उन बातों को लिया जो उनमें रह गए हैं मोबाइल लर्निंग और गेमिफिकेशन पर मैंने आपसे अभी बात नहीं की है देखिए मोबाइल लर्निंग अगर हमसे आप जनरली पूछा जाए आपसे या आपसे ही मैं पूछूं तो आप कह देंगे वो लर्निंग जो मोबाइल पे हो रही है मोबाइल लर्निंग हो गई है ना लेकिन यही अगर आपसे कहा जाए शॉर्ट नोट्स लिखिए या इसकी स्पेशलिटी लिखिए या इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखिए तो थोड़ा सा हम ट्रिक हमको नहीं समझ में आएगा कि लिखना क्या है एक्चुअली तो कई चीज़ें जो हम नहीं समझते हैं और बस उसको बोलने के लिए बोल देते हैं जैसे मैं आपने कभी सोचा ध्यान दिया हो कि मोबाइल मोबाइल माने तो गतिशील होना होता है तो हम क्यों कहते हैं कि ये मोबाइल है ये मोबाइल नहीं है ये स्मार्टफोन है लेकिन हम चूंकि मोबाइल अवस्था में भी इससे कनेक्टेड रह सकते हैं इसलिए ये मोबाइल नाम इसका पड़ गया है मतलब मोबाइल हम इसको बुलाने लगे बट इट इज नॉट अ मोबाइल इट इज़ अ स्मार्टफोन ओके तो सबसे खास बात जो मोबाइल लर्निंग की है वो ये कि इसने पूरा चित्र बदल दिया है किसका चित्र बदल दिया है जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई का क्या हिसाब किताब था कि आ, पढ़ाई का हिसाब किताब था कि आप एक जगह बैठिए पहले स्थिर होइए ये पढ़ने की खास बात थी पढ़ने की शर्त थी और अब आप मतलब स्थिरता तो कहीं लुप्त प्राय सी है आप गतिशील अवस्था में हर समय एनी टाइम एनी वेयर एनी प्लेस का कंसेप्ट है थ्री ए इसका आपको पता है आप लर्निंग कर सकते हैं तो सबसे पहले देखते हैं मोबाइल क्या है िटी ऑफ टेकिंग प्लेस इन मल्टीपल लोकेशन अक्रॉस मल्टीपल टाइमिंग मल्टीपल कंटेंट एरिया आइदर स्टैटिक और पोर्टेबल इक्विपमेंटेस वायरलेस लैपटॉप पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स एंड स्मार्टफोन है ना यानी कि हम गतिशील अवस्था में भी कनेक्टेड रहते हैं ये तो मोबाइल का मतलब हुआ मल्टीपल कंटेंट एरिया है मल्टीपल टाइम में है मल्टीपल लोकेशन में है ये सब और मोबाइल लर्निंग क्या है इट इज़ ए काइंड ऑफ लर्निंग मॉडल अलाउ लर्नर्स टू ऑप्टेन लर्निंग मटीरियल एनी वेयर एन एनी टाइम यूजिंग मोबाइल टेक्नोलॉजीज एंड दी इंटरनेट यानी कि आपके स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की मदद से आ, ये जो मोबाइल लर्निंग है वो जो लर्नर्स को अलाउ करती है अनुमति देती है कि वो लर्निंग मटेरियल को कहीं भी कभी भी प्राप्त कर सकते हैं इट इज नेसेसरी दैट द एलिमेंट्स ऑफ मोबाइल लर्निंग आर ऑर्गेनाइज्ड करेक्टली एंड द इंटरेक्शंस बिटवीन द वेरियस एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन एन एफिशिएंट एंड ऑप्टिमम वे सो दैट द मोबाइल लर्निंग इज सक्सेसफुल एंड द इंप्लीमेंटेशन इज एफिशिएंट

और ये एट अल ने डिस्क्राइब किया कि एम लर्निंग इज एन अरे ऑफ वेज दैट पीपल लर्न और स्टे कनेक्टेड यानी कि हम सीख सकते हैं हम जुड़े रह सकते हैं विद देयर लर्निंग एनवायरनमेंट्स किसके साथ अपने सीखने के वातावरण के साथ इंक्लूडिंग हम अपने क्लासमेट्स के साथ इंस्ट्रक्टर के साथ इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेस के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं सीख सकते हैं वाइल्ड गोइंग मोबाइल गतिशील अवस्था में भी हम घर से बाहर हैं हम शॉपिंग कर रहे हैं हम कहीं किसी से कहीं भी हैं हम कभी हैं, भी हैं बस हमारे पास स्मार्टफोन है और वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो हम सीख सकते हैं अगर मोबाइल लर्निंग के एलिमेंट्स की बात की जाए तो पांच ओ हो नंबरिंग गलत हो गई सो सॉरी ये वन टू थ्री फोर फाइव था ये मैंने इसको उसके ध्यान नहीं दिया तो इसके पांच एलिमेंट्स है कौन कौन से लर्नर टीचर कंटेंट एनवायरमेंट और असेसमेंट जानबूझ टीचर्स रोल कर दिया है ताकि वो स्पष्ट हो जाए और कंटेंट एनवायरमेंट और असेसमेंट में इतना विशिष्टता नहीं है बताने वाली तो लर्नर टीचर मतलब लर्नर होगा भाई जो सीख रहा है टीचर जो सिखा रहा है जो मटेरियल दे रहा है किसी भी प्रकार से कंटेंट दे क्या रहा है कंटेंट दे रहा है और क्या दे रहा है एनवायरमेंट वो जो आपको डिजिटल मिला हुआ है और आपका असेसमेंट भी होगा इसमें लास्ट में तो लर्नर के की क्या खासियत हो जाएगी इसमें कि एक्सेस टू तो इंफॉर्मेशन सूचना तक पहुंच है लर्नर की वो रेस्पॉन्सिबल फॉर ओन लर्निंग वो अपनी लर्निंग के खुद जिम्मेदार है हमने आपको मैटर भेज दिया ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ेंगे है ना लर्निंग विद ओ हो हो ये फिर स्पेलिंग गलत हो गई लर्निंग विद देयर पेस है हा? पीस नहीं है। अपनी गति से सीखना डिस्कवर एंड यूज देयर लर्निंग स्टाइल अपनी लर्निंग स्टाइल को खुद डिस्कवर कर सकते हैं कि वो कब किस कितना बेहतर सीख पा रहे हैं कौन सी लर्निंग स्टाइल उनको सूट कर रही है क्रिएट एंड शेयर न्यू इन्फॉर्मेशन और प्रोडक्ट वो नई इंफॉर्मेशन क्रिएट भी कर सकते हैं शेयर भी कर सकते हैं और अब वो अपने पीयर ग्रुप के साथ भी सीख सकते हैं और सेल्फ एवेल्युएशन और फीडबैक की भी सुविधा इसमें है टीचर का रोल क्या है इसमें एक्सपर्ट की भूमिका में है प्रेजेंटर हम ही हैं जो आपको प्रेजेंट करके मैटर दे रहे हैं मॉडरेटर की भूमिका में है कंसल्टेंट हम आपको कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं हम आपकी लर्निंग को फैसिलिटेट भी करते हैं हम आपको एडवाइस भी देते हैं और सबसे खास कि हमको क्वालिफाइड होना जरूरी क्वालिफाइड इन द सेंस की डिजिटल गैजेट को हैंडल करने के लिए क्वालिफाइड होना जरूरी है तभी मोबाइल लर्निंग हो पाएगी तभी हम एम लर्निंग का हिस्सा बन पाएंगे और कंटेंट एनवायरमेंट और असेसमेंट अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि क्या विशेषता है क्या गुण है मोबाइल लर्निंग की तो सबसे खास जो गुण है वो यूविक्विटस है हर समय हर जगह उपस्थित है कहीं भी इससे हम छूटे हुए नहीं है कहीं भी हम इससे कटे हुए नहीं है ब्लेंडेड मोड में बात हो रही है ना कहीं आप एंक्रोनस हैं कहीं सिंक्रोनस है पोर्टेबल है आपका ये प्राइवेट नेक्स्ट में आना चाहिए था नेक्स्ट हेडिंग है ये प्राइवेट क्या मैंने गलत सलत कर दिया है ठीक है यूबी so क्विटर्स यानी कि सार्वत्रिक है हर जगह प्रेजेंट है ब्लेंडेड है पोर्टेबल है, है आप इसको लेके गतिशील हो सकते हैं प्राइवेट है आपका मटेरियल आपका अपना है है आपके पास अपने समय से खोलिए अपने हिसाब से पढ़िए इंटरएक्टिव है, है साथ में बातचीत हो रही है चैट हो रही है डिस्कशन हो रहा है इसीलिए कोलेबोरेटिव भी है इंस्टेंट इंफॉर्मेशन सबको मिल जा रही है देखिए हमको इस बात से एक बात याद आई जब अभी मोबाइल का जमाना नहीं था स्मार्टफोन्स नहीं थे लोगों के हाथ में तो इवन हम लोग जब मतलब पढ़ने के दौरान नहीं पढ़ाने के दौरान भी शुरुआती दिनों में जब हमको कोई इन्फॉर्मेशन आती थी जैसे कल छुट्टी है इसकी सूचना है तो एक चपरासी जो है वो एक रजिस्टर लेके क्लास में हर क्लास में जाता था टीचर उसको पढ़ता था उस पर अपना साइन करता था और क्लास के बच्चों को बोल के बताता था कि कल आपका हाफ डे रहेगा या कल छुट्टी रहेगी या परसों से एग्जाम है या कोई भी इन्फॉर्मेशन और उसमें अगर कोई बच्चा उस वक्त क्लास में एबसेंट है किसी भी कारणवश कॉलेज में होते हुए भी क्लास से बाहर है तो उसको वो सूचना नहीं मिलती थी तो ये सूचना इस तरह से इंफॉर्मेशन सबको दी जाती थी अब तो इंस्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स उस व्हाट्सएप ग्रुप से उस कोई भी फोरम है उससे जुड़े हुए हैं तो उसको तुरंत सूचना पहुँच जाती है कंजम्पशन एंड क्रिएशन ऑफ कंटेंट ये इसकी खास बात है हम कंटेंट कंज्यूम तो कर ही रहे हैं क्रिएट भी कर रहे हैं और यहाँ मल्टी लिटरेसीज की जो आजकल बात होती है रिच मीडिया की बात होती है रिच मीडिया कैसे इसमें ऑडियो भी है वीडियो भी है एनिमेशन भी है एनी सॉर्ट ऑफ मैनी सॉर्ट ऑफ मल्टी मीडिया रिच मीडिया है ना तो इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एम लर्निंग की हैं अब आइए गेमिफिकेशन पे गेमिफिकेशन जानने से पहले जानना होगा कि गेम क्या है अब आप कहेंगे गेम क्या है हमको तो हम लोग तो कुछ विशेष समझते नहीं बस खेल खेल समझते हैं लेकिन खेल पर भी अगर कहा जाए कि लिखिए चार लाइन तो क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू नोटेड कंप्यूटर गेम क्रिएटर जेन मैकोनिगल इन्होंने क्या कहा कि ऑल गेम्स शेयर फोर डिफाइनिंग रेट्स उन्होंने कहा कि कोई भी खेल हो उसके चार जो हैं वो डिफाइनिंग ट्रेड्स होते हैं चार गुण होते हैं जिससे आप उसको परिभाषित कर सकते हैं कौन कौन से अगर देखिए हम लोग ध्यान नहीं देते हैं लेकिन ध्यान दे तो पाएंगे कि गेम होगा तो गोल होगा कोई लक्ष्य होगा जहां तक हमको पहुंचना है लूडो है तो आपको आपकी सारी गोटी मतलब सारी गोटी निकल गया मुँह से वो पास हो जानी चाहिए है ना अगर आप सांप सीढ़ी खेल रहे हैं तो वो आपको हंड्रेड की डिजिट तक पहुंच जाना है तो रूल्स होंगे उस गेम के कि आपको ये नहीं करना है ऐसे नहीं करना है नियम बताए जाते हैं और फीडबैक सिस्टम होगा जैसे सिक्स आता है तो हमको एक चांस और मिलती है कि ना एक चांस और करेंगे तो ये फीडबैक है आपने बढ़िया किया तो आपको एक बार और मिलेगा खेलने का लिए चांस एंड वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन जनरली हम गेम में अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट करते हैं हमको कोई ज़बरदस्ती नहीं खिलाता

फीडबैक एंड इंटरेक्शन प्लस एंड इमोशनल रिएक्शन देखिए गेम में इमोशन हम हारते हैं तो दुखी होते हैं हम खुश तो वो प्ले हो जाएगा गेम नहीं होगा यानी कि रूल्स के साथ खेल रहे हैं तो वो गेम है ये माइन्यूट अंतर है इस पर ध्यान नहीं देते हैं जनरली अब आते हैं गेमिफिकेशन पे तो निक एल इन फर्स्ट यूज दी टर्म गेमिफिकेशन इन 2002 देखिए कि कितने रीसेंट टर्म्स हैं ये मूक तो और भी बात का आप पढ़ेंगे भी उसको है ना 2002 में सबसे पहले एक शब्द ही इस्तेमाल किया गया कमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए वो भी फिर गेमिफिकेशन है गेमिफिकेशन का मतलब क्या है कि गेम बेस्ड मैकेनिक्स को यूज़ कर रहे हैं उसका एस्थेटिक यूज़ कर रहे हैं एंड गेम थिंकिंग को यूज़ कर रहे हैं किस लिए ताकि जो पीपल हैं वो इंगेज रहें मोटिवेटेड रहें प्रमोट लर्निंग एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स तो गेमिफिकेशन क्या हो जाएगा यूज़ ऑफ गेम थिंकिंग अप्रोचेज एंड एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम गेम्स 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 यानी से इतर आप की थिंकिंग और उसके डिजाइन उसके एलिमेंट का यूसेज ही गेमिफिकेशन है यूजिंग गेम मैकेनिक्स इंप्रूव्स मोटिवेशन एंड लर्निंग अगर हम गेम को लर्निंग में ले आए एजुकेशन में ले आए तो बच्चा मोटिवेटेड ज्यादा रहेगा वो लर्निंग उसकी बढ़िया होगी वो वो वॉल्ट्री करना चाहेगा उसको वेरियस डेफिनीशन ओवरलैप एंड कैन बी समाइज कितनी भी आप डेफिनेशन गेमिफिकेशन की देख लीजिए मोर और लेस वो यही बात कहते हैं कि गेमिफिकेशन इज एन इंटीग्रेशन ऑफ गेम एलिमेंट्स एंड गेम थिंकिंग इन एक्टिविटीज दैट आर नॉट गेम्स यानी कि गेमिफिकेशन क्या है गेम्स के अलावा जब हम गेम के एलिमेंट का कहीं यूज कर रहे हैं वही गेमिफिकेशन अगर हम एजुकेशन में गेमिफिकेशन को ले आए तो क्या होगा खा, इसको इसकी खास बात यही है कि जो लर्नर है वो मोटिवेटेड हो जाएगा क्यों क्योंकि हम गेम के प्रति हमारा ये बेसिक इंटेंट है कि हम खुश होते हैं कि अच्छा हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं अच्छा हमने अपने पीयर ग्रुप से बढ़िया स्कोर किया अरे हम वो, वो टॉप पे पहुंच गए फिर वो आपको मतलब कि ऐप में इन मिल्ड होता है वो लिख के भी आता है कि हुर्रे यू हैव डन इट वेरी इन ए वेरी गुड मैनर यू आर यू हैव टॉप एंड दिस एंड दैट तो बढ़िया आपको फीडबैक भी मिलता है तो इसलिए जो लर्नर है वो इन्वॉल्व होता है लर्निंग में क्योंकि मेन प्रॉब्लम हम लोग की क्या है कि लर्नर जो है वो लर्निंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो ये और सबसे बड़ी बात जब हम गेमिफिकेशन की बात एजुकेशन और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की सहायता से कर रहे हैं तो हर प्लेयर का मतलब हर स्टूडेंट का ट्रैक रिकॉर्ड भी है आपके पास हमको आपको पता है कि मूडल हो गया आपका गूगल क्लासरूम हो गया जितने भी एल हैं आपके उसमें वो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं कि किस बच्चे ने कब अटेंडेंस लगाई कितनी फाइल्स डाउनलोड की कितना पढ़ा कितना सही गलत सब का है ना

जो है वो एक्चुअली नॉलेज और स्किल से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन ये इस तरीके का वातावरण क्रिएट कर देता है कि बच्चे का व्यवहार उसका कमिटमेंट और उसका मोटिवेशन बढ़ जाता है और उस वजह से उसको नॉलेज और स्किल्स में वो बढ़िया कर सकता है अगर हमसे कहा जाए कि हमको गेमीफाई करना है अपना इंस्ट्रक्शन तो क्या करें फाइव स्टेप मॉडल दिया गया है और भी बहुत से लोगों ने बहुत सारे मॉडल दिए हैं वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो अपने टारगेट ऑडियंस और कंटेक्स्ट को समझिए फिर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कीजिए फिर आप स्ट्रक्चर डिफाइन कीजिए कि कौन सा एक्सपीरियंस आप अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं उसके लिए किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी वो रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कीजिए और बाद में गेमिफिकेशन के एलिमेंट्स का उसमें एप्लीकेशन कर दीजिए साइकोलॉजी ऑफ गेमिफिकेशन यही है कि मोटिवेशन कितने तरीके का होता है बहुत बार बात हुई इंट्रेंजिक एक्सट्रेंसिक हमको अंदर फीलिंग कमिटमेंट है मतलब हमको बढ़िया लगता है हम जीतते हैं तो ये इंट्रेंसिक मोटिवेशन है और एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन में आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है आपको कोई फीडबैक मिल रहा है आपको बैजेस मिल रहे हैं ये एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन है तो गेमिफिकेशन इन दोनों के लिए काम करता है आपका एक्सट्रेंसिक एज वेल एज इंट्रेंसिक मोटिवेशन बढ़िया हो जाता है इससे मतलब आप ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और अगर हम बात करें कि हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत सारे गेमिफिकेशन के टूल हैं जैसे सॉक्रेटिव आपने यूज़ किया होगा काहू तो ज़रूर यूज़ किया होगा फ्लिप क्विज है डुलिंगो की भी बहुत बात होती है रिबन हीरो क्लास डोजो तो मैंने देखा है रिबन हीरो पर मैंने काम नहीं किया देखा नहीं कभी गोल बुक ये सारे जो हैं वो गेमिफिकेशन के टूल्स हैं तो हम लास्ट में क्या कह सकते हैं यही कह सकते हैं कि गेमिफिकेशन का यूसेज एजुकेशन में बहुत बढ़िया है आप बच्चे के अंदर हेल्दी कॉम्पिटिशन ला रहे हैं आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं आप उसको इंगेज रख रहे हैं लेकिन ज़रूरी यही है कि आप उसको कैसे इंक्लूड कर रहे हैं कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ये मैटर करता है कि वो कितना कारगर सिद्ध होगा ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के दो यूसेज एम लर्निंग हो गया गेमिफिकेशन हो गया और अब मूक्स मूक्स पे पहले भी बात हो चुकी है लेकिन फिर भी मूक क्या है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है यहाँ का मतलब है बहुत सारे लर्नर इसमें पढ़ सकते हैं नंबर ऑफ लर्नर्स है ना फिर ओपन का क्या मतलब है कि ये कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने ये किया हो ये किया हो नो नो सच मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड फिर कोर्स कैन बी एक्सेस एक्सेनी वन एनी वे एज लॉन्ग एज देव एन इंटरनेट कनेक्शन बस हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए हम पढ़ सकते हैं ओपन इसलिए भी है कि प्ले स्पेस और टाइम का फ्रीडम है कोर्स कैन बी कम्पलीटेड फॉर फ्री देखिए बाद में सर्टिफिकेशन के लिए पैसे मांग लेते हैं लेकिन पढ़ने के लिए फ्री है दीज कोर्सेजुल ऑनलाइन एंड डिलीवर्ड थ्रू इंटरनेट पूरी तरीके से ऑनलाइन है इंटरनेट आपके पास होना चाहिए हाईली मल्टीमीडिया एंड रिच्ड इंटर एक्टिव ऑनलाइन कोर्सेज विच ऑफर यूनिक अपॉर्चुनिटी टू दी लर्नर टू लर्न दीज कोर्स एज पर देर कन्वीनियंस और जो बेसिक फिलोसफी मूव की है वो थ्री ए एक्सेस ग्लोबल है ये फ्री है वीडियो बेस्ड इंस्ट्रक्शनल कंटेंट है वीडियोस प्रॉब्लम सेट्स एंड फोरम्स रिलीज थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू हाई वॉल्यूम पार्टिसिपेंट्स एमिंग टू टेक और टू बी एजुकेटेड जो पहला मूक आया है वो 2008 में आया कितना नया आप समझ सकते हैं स्टीफन डाउन्स एंड जॉर्ज सीमेंस का ने कनेक्टिविस्ट मॉडल पे डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर लर्निंग मॉडल पे बेस्ड अपना पहला मुक बनाया था और ऑल मूक्स ऑफ दियस टाइप डेवलप अंड अगर हम इंडियन प्लेटफॉर्म uh, जो हमारा स्वयं जो है वो इंडियन प्लेटफॉर्म है का, और बहुत सारे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स नाइन है जो लगे हुए हैं और हमको स्वयं प्लेटफॉर्म पे मूक मिलते हैं स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ आईसीटी का यूज करके हाई स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के सब्जेक्ट पर स्किल सेक्टर से लेकर आपके क्रेडिट और नॉन क्रेडिट कोर्सेस के मूक्स बनाए गए हैं और स्वयं क्या ऑफर करता है वन स्टॉप वेब एंड मोबाइल बेस्ड इंटरैक्टिव ई कंटेंट है हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस है एनी टाइम एनी वेयर बेसिस पे स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है इजी एक्सेस मॉनिटरिंग और सर्टिफिकेशन इस पे पॉसिबल है पीयर ग्रुप इंटरेक्शन और डिस्कशन भी पॉसिबल है मुझे लग रहा है इसकी बैटरी रही है तो और नेशनल मूव कोऑर्डिनेटर आपके नौ है देखिए आपको याद होने चाहिए ए आई सी टी ई है सीई सी इग्नू आई आई एम बैंगलोर एनसीआर टी एन आई ओ एस एन आई ट्रिपल टी आर एनपीटेल और यूजीसी सबके लिए अच्छा ये थोड़ा सा चित्र क्लियर नहीं आया ना आप इसको गूगल कर लीजिएगा ए आई सी टी किसके लिए बनाता है टेक्निकल कोर्सेज के लिए सी ई सी किसके लिए कोर्सेज बनाता है इग्नू आपके ओपन एजुकेशन के लिए बना रहा है आई एम बैंगलोर मैनेजमेंट के कोर्सेज बना रहा है ना एन सी आर टी स्कूल लेवल के बना रहा है एनआईओ एस ओपन स्कूलिंग के लिए एन आई ट्रिपल टी आर ये जो टीचर टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये एन पी टेल आपके ये जितने भी इंजीनियरिंग वाले हैं उसका बन रहा है यू जी सी जो नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए बना रहा है तो इस तरह से नो नेशनल मूक्स कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं जो आपके मूक्स बना आते हैं और स्वयं प्लेटफॉर्म पे वो अपलोड किया जाता है आई थिंक अब खत्म है एक और है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिबर्टी ऑफ चॉइस है। वेयर वेन हाउ विद हूम एन वॉट टू लर्न या आप चुनिए डाइवर्सिटी है वेराइटी ऑफ लर्नर्स फ्रॉम ऑल कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड इसमें यह भी नहीं है नेशनल बाउंड्री भी नहीं है कोई भी पढ़ सकता है किसी का भी मूक है ना कनेक्टेडनेस है आप जुड़े रहते हैं सेल्फ बेस्ड आप अपनी गति से पढ़िए लाइफ लॉन्ग लर्निंग के जो 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 बेसिक फिलोसफी है उसको ये फुलफिल करता है और रिकोग्शन और सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं आप हॉबर्ड यूनिवर्सिटी का भी मूक पढ़ के वहां से सर्टिफाई हो सकते हैं ठीक है तो इस तरह से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ये तीन आपको डेमोन्स्ट्रेशन uh, एक तरीके से आपके कोर्स में इस बार न्यू इंक्लूड किए गए हैं एम लर्निंग गेमिफिकेशन और मोक मैंने तीनों आपके संग शेयर कर लिए ओके सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन